खिदादरी जिले के निमली गांव में सैकड़ों एकड़ खेतों में जलभराव होने की वजह से फसलें पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। निमली गांव के किसानों ने हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया है। खरीफ की खराब हुई कपास की फसलों की गिरदावरी करो, चुप बैठा प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। किसानों का कहना है कि पिछली बार प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इस बार की फसलें भी जलभराव के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। किसानों का कहना है खेतों में जलभराव होने की वजह से हम खड़ी फसलों में ट्रैक्टर चला रहे हैं। ट्रैक्टर किसान चला रहे हैं, बा रहे हैं, क्योंकि सुबह रोजाना देखने आते हैं किसान को, रोज रोना पड़ता है, इससे अच्छा तो एक दिन रो लेगा, बागे दिखाई तो नहीं देगी। निमली गांव के किसानों का कहना है 3 तारीख को चरखी दादरी जिला उपायुक्त को ज्ञापन देंगे, अगर हमारी मांगों पर हरियाणा सरकार और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। ICS कोचिंग सेंटर, वेयर हाउस रोड, MC कॉलोनी, चरखी दादरी। सुरेंद्र सिंह है, किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है 100%, कम से कम 200-250 एकड़ में पानी फिलहाल भरा हुआ है। मानसून की अभी तो पहली बरसात है, आगे आने वाले समय में क्या हाल होगा, किसान की फसल बिल्कुल बर्बाद होगी। एक एकड़ में एक किसान को तकरीबन 15,000 रुपये तक का खर्चा उठाना पड़ता है, मेहनत तो पानी में गई दूर, खर्चा भी नहीं मिल पा रहा इससे। तो ट्रैक्टर किसान चला रहे हैं, बा रहे हैं, क्योंकि सुबह रोजाना देखने आते हैं किसान को, रोज रोना पड़ता है, इससे अच्छा तो एक दिन रो लेगा, बागे दिखाई तो नहीं देगी। सुरेंद्र सिंह, कपास की और बाजरे की फसल में तकरीबन बर्बाद हो चुकी है। एक तरफ तो कहती है कि जहाँ पे जल भराव की समस्या है वहाँ पे धान की खेती का रोपण ना करें, दूसरी दलहन दालें उनका इस्तेमाल करें, साथ में सरकार को ये भी उचित प्रबंधन करना चाहिए कि जिस प्रकार ये फसलें बर्बाद हो रही हैं, इन फसलों के लिए यदि उचित मुआवजा हो तो किसान धान जैसी फसलों का इस्तेमाल न करके जल भराव की समस्या से निजात पा सकता है। ये जो काफ़ी त्रुटियां हैं इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, और जो इन्होंने ई खरीद पोर्टल चलाया, साथ ही साथ इन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल चलाया, इस पोर्टल में भी अनेकों त्रुटियां आ रही हैं। सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए बहुत से उनके क्लाउज हैं उनको कवर किया है, पिछले 3 सालों में बता रहे थे कि हमने उनकी डबल कर दी इनकम किसानों की, लेकिन धरातल पे ऐसा कहीं नहीं हुआ है। आज भी किसान की वही कंडीशन या एज इट इज़ उसे अपनी पुरानी व्यवस्था है, निजात नहीं मिल पाई। हरज्ञान सिंह, हमारे गांव में अभी हाल में नुकसान 100% है, यानी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी ना के बराबर। अभी प्रशासन ने हमारे बारे में सुना चाहिए, किसानों ने कम से कम एक एकड़ के ऊपर कम से कम 15,000 रुपये खर्च कर चुके, इसके बाद इस गर्मी में उमस में उन्होंने दिन रात नड़ाई गुड़ाई की है, लेकिन फिर भी किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, इसमें किसानों का बुरा हाल है। सारी फसल हमारी बर्बाद होगी, पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचा है, चारा भी अब ना ही, तो तूड़ा भी इधर ही रख रखा था और ज्वार भी यहाँ पर बो रखी थी, तूड़ा भी डूब गया और ज्वार भी गल गई। निमली गांव में लगभग फसलें चौपट हो चुकी हैं, बाजरे की हो चाहे वो ग्वार की हो, कपास की हो, ज्वार की हो, सभी फसलें चौपट है। 300-400 एकड़ के अंदर पानी जल भराव है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किया, हर साल का ही हाल है, अब की बार कोई नया नहीं। निमली कनेटी, सुरूपगढ़, सातौर, इमलोटा, मोरवाड़ा, बेगोवा, ये गाँव हमेशा डूबते हैं, लोरवाड़ा, तो इन गांव के किसानों से हमारी तो अपील है कि भाई 3 तारीख न ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन शासन प्रशासन सो रहा है, जिस सरकार की जिम्मेदारी है उस सरकार के नुमाइंदे सो रहे हैं।